हेलो एवरीबॉडी, आज का हमारा जो नया टॉपिक है, आज हम जिस टॉपिक पे डिस्कस करने वाले हैं वो टॉपिक है हमारा चालक की धारिता, कैपेसिटी ऑफ कंडक्टर। इसको कैपेसिटेंस भी बोल सकते हो, कैपेसिटेशन, सॉरी कैपेसिटेंस ऑफ कंडक्टर। तो देखिए, चालक की धारिता क्या होती है? कोई भी चालक है, उस चालक के द्वारा आवेश को ग्रहण करने की क्षमता ही चालक की धारिता कहलाती है। अर्थात चालक के द्वारा आवेश को स्टोरेज यानी संचित करने की जो क्षमता है, वो क्षमता ही यहाँ चालक की धारिता के रूप में परिभाषित की जाती है। जैसे कि आपने देखा है कि कोई भी पानी की टंकी है, उस पर जैसे कि आपने देखा होगा कि उस पर 1000 लीटर लिखा होता है। तो इसका मतलब क्या होता है कि उस टंकी के अंदर जो पानी का जो स्टोरेज पावर है, स्टोरेज जो क्षमता है, संचयन जो क्षमता है, वो कितनी है? वो 1000 लीटर की है। कहने का मतलब उस टंकी के अंदर 1000 लीटर पानी आ सकता है। इसका मतलब यही होता है कि उसके जो आयतन है, उस टंकी का जो आयतन है वो कितना है? 1000 लीटर। उसकी धारिता कितनी है? 1000 लीटर। तो उसी प्रकार से यहाँ भी हम जो विद्युतीय परिघटना है उसके अंदर भी हम इसको, मतलब इस पानी की जो टंक पानी का जो एग्जाम्पल लिया ना, पानी की टंकी का जो एग्जाम्पल लिया, उसी एग्जाम्पल से हम इस विद्युतीय फिनोमिना यानी विद्युतीय परिघटना को भी समझ सकते हैं। तो इसमें भी ऐसा ही होता है, कोई भी हमारे पास चालक होगा और उस चालक के द्वारा आवेश को स्टोर करने की यानी आवेश को संचित करने की जो क्षमता है, आवेश को ग्रहण करने की जो क्षमता है, वो क्षमता ही चालक की धारिता कहलाती है। अब आगे देखिएगा, जब भी आप किसी चालक को आवेश देते हो, तो चालक को आवेश देने से क्या होगा? उसका जो विभव होगा वो दिए गए, जो आप आवेश दे रहे हो ना, दिए गए आवेश के समानुपातिक रूप से बढ़ेगा। मतलब कोई भी चालक है और उस चालक को जब आप आवेश दे रहे हो, तो आवेश देने से उसका जो विभव है ना, वो दिए गए आवेश जो आप दे रहे हो, उस चालक को दे रहे हो, तो दिए गए आवेश के समानुपातिक रूप से क्या होता है? बढ़ता है। अर्थात क्यों समानुपाती V होता है, बस ये ध्यान रखना है। तो क्यों समानुपाती V होता है, देखिएगा, क्यों समानुपाती V, तो यहां से चिन्ह हटेगा तो क्यों बराबर CV के रूप में आएगा। ठीक है, तो ये देखिए, सी एक हमारा समानुपाती नियतांक है, और ये समानुपाती नियतांक ही क्या होता है? चालक की धारिता होती है। तो C इक्वल्स टू Q अपॉन V के रूप में लिखेंगे इसको। कहने का मतलब यहाँ चालक को दिया गया आवेश और विभव का जो अनुपात है वो नियत रहता है, वो बदलता नहीं है। ठीक है, और वो नियत अनुपात ही क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? चालक की धारिता कहलाती है। ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब देखिएगा, इसका छोटा सा एक ग्राफ बना लिया मैंने। वाई एक्स पे क्यू आवेश को ले लिया है और एक्स एक्स पे वी को ले लिया है। तो जैसे जैसे आप विभव को बढ़ाते हो आवेश बढ़ता है, विभव को बढ़ाते हो तो आवेश बढ़ता है। कहने का मतलब आवेश को बढ़ाओगे तो विभव बढ़ेगा। ठीक है, तो इन दोनों का जो रेशियो बनेगा वो क्यू अपॉन वी, वो क्या होगा? सी होगा। कहने का मतलब अनुपात नियत रहेगा। ठीक है ना, क्यू और वी का जो अनुपात है वो नियत रहेगा, मतलब बदलेगा नहीं। ठीक है ना, ये अनुपात जो बता रहा हूं ना, क्यू और वी का अनुपात, ये नियत रहेगा हर पॉइंट पे। देखिएगा, ये जो ये लाइन बनाई है मैंने, ये देखो लाइन ड्रॉ की है, 45 डिग्री, 45 डिग्री के एंगल का जो झुकाव है एक्स अक्ष से, एक्स अक्ष से देखिएगा 45 डिग्री के एंगल से झुकाव है ना। तो यहां पर आप देख रहे हो, ये लाइन क्या शो कर रही है? ये लाइन किसको बता रही है? ये धारिता को बता रही है। और धारिता क्या है? क्या है? नियत है। और नियत कैसे कब होगी? जब आवेश और विभव का जो अनुपात है वो क्या रहेगा? नियत रहेगा। नियत रहेगा भाई, अरे क्यों नियत रहेगा भाई? आवेश को बढ़ाओगे विभव बढ़ेगा। तो इसका मतलब जो चीज बढ़ा, आवेश बढ़ा रहे हो विभव बढ़ा रहे हो, मतलब आवेश बढ़ रहा है विभव बढ़ रहा है, तो इसका मतलब आवेश और विभव क्या हो जाएंगे? आवेश और विभव का जो अनुपात है वो क्या होगा? नियत रहेगा। तो पता तो नहीं, देखिएगा, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, जैसे आवेश है 5 है और विभव क्या है? 10 है। ठीक है, तो रेशियो क्या है? 1/2। फिर मैंने क्या कर दिया, आवेश हो गए 10 और विभव कितना हो गया? 20। तो कितना हो गया? 1/2। तो मतलब ये रेशियो देखिए, 1/2, 1/2। कहने का मतलब आवेश और विभव का अनुपात क्या है? नियत है। जिसे हम उस नियत अनुपात को ही हम क्या बोलते हैं? चालक की धारिता यानी टेन थीटा के रूप में डिफाइन करते हैं। सी बराबर टेन थीटा। ठीक है ना, क्योंकि टेन थीटा क्या होता है? वाई एक्स अपॉन एक्स एक्स। तो वाई एक्स क्या है? वो क्यू। और एक्स 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 क्या है? वी। तो क्यू अपॉन वी क्या हो जाएगा? टेन थीटा। और यही क्या होती है? चालक की धारिता। ठीक है भाई, अब देखिएगा, इसको आगे देखते हैं। देखिएगा, अब इसमें हम बात करेंगे विद्युत धारिता के मात्रक और विमा पर चर्चा करेंगे। तो देखिएगा, एसआई पद्धति में जो मात्रक होता है वो होता है फेरेड। धारिता का एसआई पद्धति में मात्रक फेरेड होता है, और 1 फेरेड बराबर होता है 1 कूलाम अपॉन 1 वोल्ट। ठीक है, कूलाम क्यों लिखा भाई? आवेश का मात्रक कूलाम, और विभवांतर या विभव का मात्रक क्या होता है? वोल्ट है। तो क्यू अपॉन वी तो है, होता है सी। सी बराबर क्यू अपॉन वी तो है, क्यू 1 वोल्ट, सॉरी क्यू 1 कूलाम, और वी क्या है? 1 वोल्ट है। तो कूलाम प्रति वोल्ट है। तो ये इसका कूलाम अपॉन वोल्ट है ना, ये कूलाम अपॉन वोल्ट, इसका मतलब क्या होता है? कूलाम प्रति
वोल्ट। तो ये हम फैरेड को क्या लिख सकते हैं, कूलाम प्रति वोल्ट लिख सकते हैं, कूलाम प्रति वोल्ट। तो धारिता के अन्य मात्रक जो कि छोटे मात्रक हैं, जैसे कि 1 माइक्रो फैरेड 10^-6 फैरेड होता है, मैथमेटिकली हम न्यूमेरिकली जो प्रॉब्लम सोल्व करेंगे उनमें काम आएगा। नैनो फैरेड 9 फैरेड होता है, पिको फैरेड 10^-12 फैरेड होता है। इसकी डायमेंशन देखिएगा, विमीय सूत्र देखिएगा इसका, m-1 l-2 t^4a2, मतलब ये आप निकाल सकते हो भाई। आवेश की बीमा रखोगे और आवेश की बीमा और अपोन में क्या आएगा, विभवांतर या विभव की बीमा, तो दोनों का एक दूसरे से डिवाइड करोगे तो ये हमारे पास ये आ जाएगा। ये डायमेंशन किसका, किसके डायमेंशन, किसकी बीमा है, ये विमीय सूत्र किसका है, ये हमारा चालक की धारिता का है, ठीक है ना। तो धारिता का जो विमीय सूत्र है वो m-1 l-2 t^4 t^4a2 आ जाएगा, ठीक है। अब देखिएगा, चालक की धारिता है उसको प्रभावित करने वाले कारक देखते हैं अपन। तो चालक की धारिता को प्रभावित करने वाले कारक देखिएगा, पहला जो कारक है चालक का क्षेत्रफल। देखिएगा यहां पर हम चालक की धारिता को जो इफेक्ट कर रहे हैं, मतलब धारिता को जो इफेक्ट कर रहे हैं वो फैक्टर पड़ रहे हैं। तो पहला जो फैक्टर है चालक का क्षेत्रफल, दूसरा फैक्टर, दूसरा कारक चालक के समीप अन्य चालक की उपस्थिति, तीसरा कारक चालक के चारों ओर माध्यम पर। तो ये तीन ऐसे कारक हैं जो कि चालक की धारिता को प्रभावित करते हैं। आवेश प्रभावित नहीं करता, आवेश और विभव दोनों प्रभावित नहीं करते। प्रभावित करने वाला कौन है, प्रभावित करने वाले कारक कौन है जो कि चालक की धारिता को प्रभावित करते हैं, मतलब चालक की धारिता को प्रभावित कर रहे हैं। पहला जो कारक है चालक का क्षेत्रफल, चालक के समीप अन्य चालक की उपस्थिति, और तीसरा चालक के चारों ओर माध्यम। तो पहला देख लेते हैं चालक का क्षेत्रफल। यदि चालक पर आप आवेश की मात्रा को स्थिर रख रहे हो और उसका क्षेत्रफल बढ़ा रहे हो, तो उसका विभव क्या हो जाता है, घट जाता है, और धारिता क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। क्योंकि आपको पता है अगर विभव कम होता है, यहां से देखिएगा C=Q/V, अगर विभव V का जो रेशियो, V है रेशियो नहीं सॉरी, विभव V अगर कम होता है तो धारिता क्या होती है, बढ़ती है। तो ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि इसमें हम क्या करते हैं, आवेश की मात्रा को कांस्टेंट रखेंगे, आवेश तो हमारा कांस्टेंट रहेगा, लेकिन हम जो चालक का जो क्षेत्रफल है उसको इंक्रीज करेंगे, उसको बढ़ाएंगे। तो जैसे उसको बढ़ाएंगे तो विभव है वो हमारा क्या हो जाएगा, डिक्रीज, कम हो जाएगा, और कंडक्टर जो जो हमारा चालक है उसकी कैपेसिटी है वो इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। देखिएगा यहां पर एक छोटा सा मैंने यहां पर एक डायग्राम फिगर लिया है। जैसे मैंने ये हमारे पास कोई चालक ए है, इसका नाम लिख देता हूं, जैसे चालक का नाम ए लिख देता हूँ, चालक की पट्टिका है, ये चालक की पट्टिका ए है, ये चालक की पट्टिका बी है। तो चालक की पट्टिका ए का जो क्षेत्रफल भी है वो क्या है, ए है, और यहाँ इस चालक को दिया गया आवेश क्या क्यू है। अब चालक की दूसरी पट्टिका क्या है, बी है, इसका नाम बी है, इसका क्षेत्रफल क्या है, 2a, मैंने इसको दुगुना कर दिया। तो क्षेत्रफल तो मैंने दुगुना कर दिया लेकिन आवेश तो नियत रखा है। तो ऐसा करने से क्या हो जाता है, चालक का जो विभव है, जो पोटेंशियल है, ये जो चालक है ना, इस चालक का जो पोटेंशियल है वो विभव क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि आवेश तो सेम ही है भाई, पहले जितना ही आवेश दे रहे हैं भाई, आवेश हम मतलब क्या हो रहा है, पहले जितना ही आवेश दे रहे हैं लेकिन क्षेत्रफल बढ़ा रहे हैं। तो क्षेत्रफल बढ़ा रहे हैं तो इसका मतलब स्टोरेज पावर उसकी ज्यादा होनी चाहिए ना, तो स्टोरेज पावर तो ज्यादा होनी चाहिए लेकिन स्टोरेज पावर तो कम है, क्यों, क्योंकि उस आधार पर तो कम ही है, मतलब यहाँ क्षेत्रफल 2a है भाई, क्षेत्रफल पहले से ज्यादा है, तो ज्यादा इसका मतलब उसी के अकॉर्डिंग इसके पास आवेश होना चाहिए, लेकिन आवेश क्या है, कम है। आवेश अगर कम है तो इसका मतलब क्या है, विभव क्या हो जाएगा, इससे चालक प्लेट बी का विभव क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और धारिता बढ़ जाएगी। तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। तो इस प्रकार से विभव को हम कम करके धारिता को बढ़ा सकते हैं, और ये कब होगा, जब चालक के क्षेत्रफल को बढ़ाओगे, ठीक है ना। तो चालक के क्षेत्रफल को बढ़ाओगे तो क्षेत्रफल बढ़ाने से आवेश है, जो आवेश है वो आवेश उस आधार पर नहीं मिल पाता, जितना मिलना चाहिए उतना आवेश उसको नहीं मिल पाता, उससे कम आवेश मिलता है, मतलब उसके क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग उसको आवेश नहीं मिल रहा है। तो क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग आवेश नहीं मिल रहा है तो क्या हो रहा है, विभव आवेश में कमी आ रही है एक प्रकार से, और आवेश में कमी है तो विभव में क्या हो रही है, कमी, और विभव में जब कमी होगी तो चालक की धारिता बढ़ जाएगी। अब देखिएगा नेक्स्ट, हाँ दूसरा इफेक्ट देखिएगा, चालक के समीप अन्य चालक की उपस्थिति। इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है भाई ये, इसको आपको ध्यान से सुनना है, ठीक है ना, और समझना है इसको। तो देखिएगा चालक के समीप अन्य चालक की उपस्थिति का क्या इफेक्ट पड़ता है चालक की धारिता पर। तो यहां पर देखिएगा छोटे छोटे ये स्पष्ट नजर नहीं आ रहे हैं, तो देखिएगा मैं फिर भी कोशिश करता हूं जैसे स्पष्ट यहां पर बना देता हूं। देखिएगा ये हमारा कोई चालक है, इसका नाम दे दिया मैंने ए, जो कि हमारा क्या है, आवेशित चालक है। कैसा चालक है भाई, आवेशित, और इसी के पास मैं कौन सा चालक रख रहा हूं, दूसरा चालक है एक, ये हमारा माइन सॉरी अभी नहीं लिख रहे हैं अपन, चालक के समीप की अगर बात करें, चालक के समीप जो चालक ले रहे हैं वो अनावेशित चालक है। वो चालक कैसा है, अनावेशित चालक है, जिसका नाम क्या है, बी है, ठीक है।
अब जैसे ही हम आवेशित चालक ए के पास अनावेशित चालक रखते हैं तो विद्युत प्रेरण के द्वारा क्या हो जाता है, इस चालक बी, चालक पट्टिका की बी की आंतरिक सतह पर ऋणावेश प्रेरित हो जाता है। ठीक है ना, ये आपने पढ़ा है चैप्टर वन में, तो ऋणावेश प्रेरित हो। तो यहाँ क्या हुआ, प्रेरण के द्वारा विपरीत प्रकृति का आवेश प्रेरित हो गया। मतलब ए पर क्या था, ए की जो ये आंतरिक पृष्ठ इस पर प्लस था, तो बी की आंतरिक पृष्ठ पर माइनस आवेश आ गया। ठीक है, जितना आवेश ए के बाहरी पृष्ठ पर था, मतलब सॉरी आंतरिक पृष्ठ पर था, उतना ही आवेश बी की आंतरिक पृष्ठ पर आ जाता है। ठीक है, और फिर बी ये ऋणात्मक आवेश आया है, तो इसकी बी की जो बाहरी पृष्ठ पर कौन सा आवेश आ जाएगा, यहां पर आ जाएगा प्लस आवेश आ जाएगा, इस प्रकार से प्लस आवेश आ जाएगा। ठीक है, तो ये देखिए माइनस आवेश है ना, ये चालक प्लेट बी का जो माइनस आवेश है, ये माइनस आवेश क्या करता है, चालक प्लेट ए के विभव को कम करता है। ठीक है, माइनस तो क्या करता है भाई, कम करेगा, लेकिन ये प्लस आवेश है ना, ये जो बाहरी पृष्ठ पर आया है, चालक प्लेट बी के जो बाहरी पृष्ठ पर आवेश आया है, प्लस आवेश, ये चालक प्लेट ए के विभव को कम करता है, सॉरी बढ़ाता है, विभव को क्या करता है, बढ़ाता है। लेकिन ये बी का जो भारी पृष्ठ है, वो चालक प्लेट बी का जो भारी पृष्ठ है वो क्या है, चालक प्लेट ए ए से दूर है। देखिए ये ए से क्या है, दूर है, लेकिन माइनस जो आवेश है ना, माइनस आवेश है, दिख रहा, चालक प्लेट बी का जो ऋण आवेश है वो चालक प्लेट ए के आवेश के बिल्कुल नजदीक है, बिल्कुल पास है। तो इसका मतलब चालक प्लेट बी का जो ऋण आवेश है वो ज्यादा इफेक्ट करेगा चालक ए के विभव को। ठीक है ना, माइनस आवेश ज्यादा प्रभावित करेगा, तो जिससे क्या हो जाएगा, चालक प्लेट ए का विभव कम हो जाएगा, और कम होते ही चालक की धारिता बढ़ जाएगी। ठीक है भाई, अब तीसरा देख लीजिएगा, चालक के चारों ओर माध्यम पर, माध्यम की अगर बात करें, नॉर्मली केस में देखा जाए, अगर चालक की धारिता सी है, कब हो, जब उसके चारों ओर क्या हो, हवा हो, हवा मतलब उस चालक के चारों ओर क्या है, हवा है, तो उस स्थिति में चालक की धारिता कितनी है, सी है। लेकिन हवा के अलावा हम कोई माध्यम रख दें, जैसे कि हवा के अलावा ने माध्यम ले लें, जैसे जिसका पैरावृतांक क्या है, एप्सिलॉन आर है, तो चालक के चारों ओर उपस्थित, और वो क्या है, चालक के चारों उपस्थित है, तो इस स्थिति में धारिता कितनी हो जाती है, एप्सिलॉन आर इंटू सी हो जाती है। कहने का मतलब धारिता एप्सिलॉन आर गुना बढ़ जाती है, ये बात आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। तो धारिता अगर धारिता की अगर हवा में बात करनी है, मतलब चालक के चारों ओर क्या है, एयर है, ओनली एयर है, तो उस स्थिति में तो धारिता सी होती है। लेकिन जैसे ही हम उस चालक को उठा करके मतलब किसी माध्यम में रख देते हैं, मतलब उस चालक के चारों ओर अगर क्या है, एप्सिलॉन आर परावर्तांक का कोई माध्यम है, तो उस स्थिति में चालक की धारिता कितनी हो जाती है, कितनी हो जाती है भाई, जो वायु की जो धारिता है, वायु में जो धारिता है उससे कितनी गुणा हो जाती है, एप्सिलॉन आर गुणा हो जाती है। वायु में कितनी थी, सी, तो जैसे परावर्तित पदार्थ आया तो धारिता कितनी हो गई, एप्सिलॉन आर इंटू सी हो गई। ठीक है, तो ये ध्यान रखिए, धारिता बढ़ती है माध्यम की उपस्थिति से भी चालक की धारिता। देखिएगा, अब जो हमारा जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो देखिए, विलगित गोलीय चालक की धारिता। इसमें हम क्या लेते हैं, इसमें हम एक स्मॉल आर त्रिज्या का एक विलगित गोलीय चालक लेते हैं, और इसको हम क्या करते हैं, क्यू आवेश से आवेशित करते हैं, और ये आवेश गोले के बाह्य पृष्ठ पर फैल जाता है। तो ये आवेशित गोलीय चालक है हमारा, इस प्रकार से बिहेव करता है कि सारा का सारा जो भी इस चालक को आवेश दिया गया है वो आवेश क्या है, गोले के केंद्र पर समाहित है, यानी गोले के केंद्र पर केंद्रित हो गया। मतलब इस चालक को जो भी आवेश दिया गया है वो आवेश देने से गोलीय चालक इस प्रकार से बिहेव करने लग जाता है कि उसको जो दिया गया आवेश है वो गोले के केंद्र पर स्थित है, ऐसा बिहेव करता है। तो उस स्थिति में उस बिंदु जो जिस पर आवेश हमारा केंद्रित है, तो उस बिंदु आवेश के कारण जो विभव बनता है, बिंदु आवेश के कारण जो विभव बनेगा वो देखेंगे अब हम। देखिएगा भाई, यहां पर मैंने बातें कर ली है, तो बिंदु आवेश यानी इस अवस्था में गोले की सतह पर विभव क्या होगा, ये हमने पढ़ लिया है, v बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन r, इक्वेशन नंबर 1 हो गया। ठीक है, तो ये विभव आ गया पूरे, मतलब गोलीय चालक के कारण विभव ही आ गए। अब गोले की धारिता c बराबर क्या होता है, q अपॉन v, ये होता ही है। अब यहां पर क्या करेंगे, v की जगह समीकरण 1 से मान रख देंगे। ठीक है, यहाँ v की जगह दिख रहा है ना, ये v, इस v की जगह समीकरण 1 से जैसे ही मान रखोगे तो ये q से q कट जाएगा और c बराबर 4π एप्सिलॉन नॉट r बच जाएगा। तो यहाँ से ये कांस्टेंट है 4π एप्सिलॉन नॉट, ये कांस्टेंट है, तो सी समानुपाती आर हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि अतः ये स्पष्ट क्या हो रहा है कि गोली चालक की धारिता उसकी त्रिज्या की क्या होती है, समानुपाती होती है। मतलब जितना ज्यादा बड़ा गोला लोगे तो उतनी ही उसकी धारिता भी उतनी ही ज्यादा होगी। ठीक है, ये कहने का मतलब यही है कि चालक की जो त्रिज्या जितनी ज्यादा होगी, चालक की चालक गोला लो, जो भी हमारा कोई चालक गोला है उसकी त्रिज्या जितनी ज्यादा लोगे उसकी उस चालक गोले की धारिता भी उतनी ही ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, अगर गोला छोटा होगा तो धारिता छोटी हो जाएगी, अगर गोला बड़ा होगा तो धारिता बड़ी हो जाएगी। ठीक है ना, ये आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि वो त्रिज्या पे डिपेंड कर रहा है ना, चालक की धारिता त्रिज्या पर। ठीक है ना, तो त्रिज्या पे डिपेंड कर रहा है, स्मॉल आर पे डिपेंड कर रहा है, ये बात याद रखिएगा।
इम्पोर्टेंट है ये। अब देखिएगा, हमने दो गोले ले लिए और दोनों की त्रिज्याएं R1 और R2 हैं, तो उनकी धारिताओं का जो अनुपात है वो क्या होगा, C1 अपॉन C2 इक्वल्स टू R1 अपॉन R2। इसी प्रकार से C समानुपाती R के भी लिए भी हम क्या कर सकते हैं, ये आरेख है, ये जो ग्राफ है ये हम आलेखित कर सकते हैं, ठीक है ना, मतलब खींच सकते हैं। अब देखिए, मैंने यही बात लिखी है उस त्रिज्या के आधार पर लिखा है कि छोटे गोली चालक की धारिता है वो बड़े गोली चालक की धारिता से क्या होती है, कम होती है। अतः आवेश और ऊर्जा का संचय बड़े गोली चालकों में होता है, ठीक है ना, ये बात याद रखिएगा। जितना बड़ा गोला होगा उसमें उतना ही ज़्यादा आवेश स्टोर होगा, उतनी ज़्यादा एनर्जी स्टोर होगी। अगर गोला छोटा होगा ना तो उसमें क्या होगी, मतलब आवेश और एनर्जी कम स्टोर होगी, ठीक है ना। इसलिए छोटे गोली चालक की जो धारिता है ना वो बड़े गोली चालक की धारिता से क्या होती है, कम होती है, ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। अब इसका नोट देख लीजिएगा, नोट पॉइंट है इसमें, इम्पोर्टेंट नोट पॉइंट है। तो इसमें देखिए, अगर पृथ्वी की विभव को हम क्या मानते हैं, शून्य मान लिया जाता है, कई मतलब विभव को क्या माना जाता है, शून्य माना जाता है स्पेशली, ये ध्यान रखिएगा। तो विभव को जब शून्य माना जाता है तो उस केस में क्या होता है, तो शून्य मानोगे तो विभव V की जगह तो आप जीरो करोगे, तो धारिता कितनी हो जाएगी, अनंत हो जाएगी। तो उस केस में पृथ्वी की जो धारिता है वो क्या होती है, अनंत होती है। एक्सपेरिमेंटली है ये भाई, ये आपको पता होना चाहिए, मतलब इस विभव को हम शून्य मानते हैं एक्सपेरिमेंटली, ठीक है। इसलिए उस जो पृथ्वी, उस चालक पृथ्वी क्या है, एक चालक गोला ही तो है, तो और उस चालक गोले से कोई भी अगर कोई चालक गोला जुड़ा है तो उस चालक की धारिता भी क्या होती है, अनंत होती है, ठीक है ना, ये बात ध्यान रखिएगा। क्योंकि पृथ्वी का विभव हम क्या मानते हैं, जीरो मानते हैं, और जीरो मानने से चालक सॉरी पृथ्वी की धारिता क्या हो जाती है, अनंत हो जाती है। और पृथ्वी क्या है भाई, धारिता किसके ले रहे हैं, चालक के ले रहे हैं, और चालक हमारा क्या है, पृथ्वी, पृथ्वी एक चालक है, गोला गोलीय चालक है, और उस गोलीय चालक की धारिता अनंत है। ये कैसे, ये प्रायोगिक रूप से एक्सपेरिमेंटली है, क्योंकि विभव को हम क्या मान लेते हैं, जीरो मान लेते हैं, इसलिए धारिता अनंत हो जाती है। अब लेकिन सैद्धांतिक यानी थ्योरेटिकली क्या होती है, त्रिज्या क्या होती है, पृथ्वी की त्रिज्या 6400 किलोमीटर होती है, होती है ना भाई। तो 6400 किलोमीटर त्रिज्या का गोलीय चालक अगर मानते हो तो क्या होता है उस केस में, सी बराबर 4πε0R, ये होता है थ्योरेटिकली वैल्यू, सी बराबर 4πε0R, अभी निकाली नहीं, तो यहाँ पर देखिएगा 4πε0 का मान 1/9×10⁻⁹ होता है। आर आपको पता है कितनी होती है, पृथ्वी की त्रिज्या 6400 किलोमीटर, तो मीटर में चेंज कर लेना, ठीक है। ये वैल्यू जैसे ही रखोगे, 4πε0 और आर की वैल्यू जैसे ही रखोगे, तो 711 μF आएगी धारिता, ठीक है ना। तो इस प्रकार से ये होती है पृथ्वी की धारिता, पृथ्वी की सैद्धांतिक रूप से जो धारिता है वो ये होती है सी बराबर 711 μF, और प्रायोगिक रूप से कितनी होती है, अनंत होती है। क्योंकि प्रायोगिक रूप में हम क्या करते हैं, पृथ्वी का जो विभव वो जीरो मानते हैं, ठीक है, और पृथ्वी एक गोलीय चालक है, और इसीलिए उसकी धारिता क्या है, यहाँ पर अनंत है, क्योंकि विभव क्या है, जीरो माना गया है। कि किस रूप में, प्रायोगिक रूप में। अगर सैद्धांतिक रूप में बात करनी है तो हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे, सी बराबर 4πε0, और इसमें आर हमारे पास पृथ्वी की त्रिज्या रहेगी, और 4πε0 क्या होता है, वैल्यू आपको पता है, ये वैल्यू जैसे रखोगे तो हमारे पास 711 μF, ये पृथ्वी की धारिता आएगी सैद्धांतिक रूप से, ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। अब आगे देखिएगा, देखिएगा अभी कैपेसिटर, संधारित्र, इसको कैपेसिटर क्या होता है, संधारित्र क्या होता है, संधारित्र के ऐसे डिवाइस है जो कि क्या करती है, मतलब एक ऐसे डिवाइस है जिसके वॉल्यूम मतलब आयतन या फिर आकार को चेंज किए बिना हम क्या कर सकते हैं, चालक की धारिता को बढ़ा सकते हैं। मतलब उसका वॉल्यूम आकार बढ़ाने की जरूरत नहीं पड़ने वाली आपकी बार भाई, आपकी बार ऐसा नहीं होगा कि आकार बढ़ने से ही हम चालक की धारिता को बढ़ाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, हम आकार और आयतन को नियत रखेंगे, बढ़ाएंगे नहीं भाई। पहले तो क्या बोल रहे थे, भाई आकार आयतन को बढ़ाते हो तो हमारी चालक की धारिता बढ़ती है, तो ऐसा कुछ नहीं करने वाले हैं अब की बार। ये संधारित्र एक खास डिवाइस है, क्योंकि इसमें हम क्या नहीं करते हैं, क्या नहीं करते, आयतन और आकार को नहीं बढ़ाते हैं, कहने का मतलब आकार और आयतन को में परिवर्तन किए बिना ही हम क्या करते हैं, चालक की धारिता को बढ़ाते हैं। तो और तथा चालक पर आवेश और विद्युत ऊर्जा ऊर्जा को अधिक मात्रा में संचय या संचित किया जाता है, ठीक है ना। इसमें आवेश और ऊर्जा का संचयन होता है, ये बात इंपॉर्टेंट होती है इसमें, याद रखिएगा। संधारित्र में स्पेशली और स्पेशली ओनली क्या होता है, ऊर्जा और आवेश का ही संचयन होता है, ऊर्जा और आवेश का ही स्टोरेज होता है, स्टोर होता है, ये ध्यान रखिएगा, ये जरूर ध्यान रखिएगा। उसमें एनर्जी को स्टोर किया जाता है, किसमें, संधारित्र में, एनर्जी को और आवेश को, आवेश को, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है भाई। अब इसको, इसकी जो अरेंजमेंट, इसकी जो व्यवस्था है, उसकी जो डेफिनेशन है वो देख लीजिएगा, संधारित्र की जो व्यवस्था है ना, किस प्रकार की व्यवस्था होती है इसमें। तो व्यवस्था इसमें क्या होती है, संधारित्र में निश्चित आकार की हम क्या लेंगे, दो चालक प्लेटें लेंगे, दो चालक प्लेटें, और वो क्या होंगी, एक दूसरे के समांतर होंगी, एक दूसरे के समीप होंगी, समांतर होंगी, समांतर व्यवस्थित रहेंगी, ठीक है, और जिन पर समान परिमाण और विपरीत प्रकृति का आवेश क्या रहेगा, उपस्थित रहेगा, समान परिमाण का और विपरीत प्रकृति का आवेश उपस्थित रहेगा। प्रथम प्लेट क्या रहेगी, कुचालक स्टैंड से जुड़ी रहेगी, और दूसरी जो प्लेट है वो ग्राउंडेड यानी भूसंपर्कित रहती है।
तो देखिएगा संधारित्र में क्या बताया गया, मतलब मैंने पहले ही बता दिया था कि इसमें हम क्या नहीं करेंगे, आकार आयतन को नहीं बढ़ाने वाले। तो इसमें निश्चित आकार की क्या लेंगे, दो चालक प्लेटें लेंगे, और दोनों चालक प्लेटें एक दूसरे के समीप होंगी, समांतर होंगी, और उन पर समान परिमाण और विपरीत प्रकृति का क्या होगा, आवेश उपस्थित रहेगा। लेकिन पहली प्लेट को तो हम क्या करेंगे, कोई स्टैंड होगा, कोई चालक स्टैंड, उससे जोड़ेंगे, और दूसरी को हम क्या कर देंगे, भूसंपर्कित करेंगे। तो इस प्रकार से जो बनी व्यवस्था है वो क्या कहलाती है, संधारित्र कहलाती है। तो देखिएगा ये समायोजन आप देख लीजिएगा, इसमें दो संधारित्र लिए स्टार्टिंग में, देखिएगा एक पर मैंने प्लस क्यू आवेश, मतलब एक दो प्लेटें ली है, जैसे प्लेट ए है, ये प्लेट बी है, ठीक है, दो प्लेटें ली है, प्लेट ए है, प्लेट बी है। तो प्लेट ए पर क्या कर दिया, प्लेट ए को प्लस क्यू आवेश से आवेशित कर दिया, और प्लेट बी को क्या हो गया, प्लेट बी को माइनस क्यू आवेश से आवेशित कर दिया। करने की जरूरत नहीं पड़ती, प्रेरण के द्वारा अपने आप ही क्या हो जाता है, प्लेट बी पर माइनस क्यू आवेश आ जाता है। देखिएगा ये आ गया ना माइनस क्यू आवेश, और इसकी बाहरी जो पृष्ठ है उस पर क्या आ जाता है, प्लस आवेश आ जाता है। आ गए ना भाई, ये प्रेरण के द्वारा ऐसा कमाल होता है, ठीक है ना, ये हमने पढ़ रखा है चैप्टर वन में, ठीक है। अब क्या होगा, तो मैंने क्या बताया कि पहली प्लेट को तो आपको क्या करना है, कुचालक स्टैंड से जोड़ना है, तो मैंने ये जोड़ दिया, और दूसरी को क्या करना है, भू संपर्कित ग्राउंडेड करना है। तो जैसे ग्राउंडेड करोगे ना, तो क्या होता है कि अर्थ से कुछ इलेक्ट्रॉन निकल के आ जाते हैं, पृथ्वी से, पृथ्वी का विभव जीरो है, तो उससे कोई इलेक्ट्रॉन दो या लो से कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है ना। तो पृथ्वी से कुछ इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, और वो इलेक्ट्रॉन जो यहाँ पर प्लस चार्ज थे ना, प्लस आवेश था, मतलब ये चालक प्लेट डी की जो बाहरी पृष्ठ पर जो प्लस आवेश था, वो प्लस आवेश क्या करेगा, वो प्लस आवेश इस पृथ्वी के अंदर चला जाएगा, पृथ्वी के अंदर चला जाएगा। क्यों, क्योंकि पृथ्वी के अंदर से क्या निकलते हैं, इलेक्ट्रॉन, और वो इलेक्ट्रॉन क्या कर देंगे, इस प्लस को क्या कर देंगे, न्यूट्रलाइज कर देंगे, ठीक है ना, मतलब आपस में टकराएंगे इलेक्ट्रॉन और पॉजिटिव चार्ज, तो टोटल चार्ज क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा भाई, चार्ज जीरो हो जाएगा, यानी ये बाहरी पृष्ठ क्या हो जाएगा, उदासीन हो जाएगा, चालक प्लेट बी की जो बाहरी पृष्ठ है वो क्या हो जाएगी, उदासीन, क्योंकि इसकी जो प्लस आवेश है या पॉजिटिव चार्ज है वो कहाँ चले जाते हैं, ग्राउंड में चले जाते हैं। ग्राउंड में किस ग्राउंड में जाने का मतलब, ग्राउंड से निकले हुए इलेक्ट्रॉन से क्या करते हैं, वो टकरा के क्या कर देते हैं, विनाश कर लेते हैं, यानी कि उदासीन हो जाता है, टोटल आवेश क्या हो जाता है, उदासीन हो जाता है। तो ये ध्यान रखिएगा। अब अगर आगे बात की जाए, तो यदि प्लेटों के मध्य पोटेंशियल डिफरेंस अगर भी है, तो प्लेटों के मध्य अगर विभवांतर v हो, तो संधारित्र की धारिता कितनी होगी, c बराबर q अपॉन v के रूप में होगी, ठीक है भाई। अगर मतलब आपको पता है विभवांतर, जैसे कि इन दोनों चालक प्लेटों के जो मध्य जो विभवांतर होगा वो अगर v है, तो संधारित्र की धारिता c बराबर q अपॉन v के रूप में आ जाएगी, ठीक है भाई। अब हम बात करने वाले हैं संधारित्र का जो संयोजन है, संधारित्र का सॉरी संयोजन हो ही गया, अब संधारित्र के सिद्धांत की बात करने वाले हैं। तो वही है, ये पहले वाला डायग्राम जो पहले मैंने शो किया है संधारित्र के सिद्धांत में, ये दोनों डायग्राम शो करने पड़ेंगे आपको, ठीक है ना, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो ये सिद्धांत क्या कहता है, संधारित्र का सिद्धांत कहता क्या है, इसमें हम क्या करते हैं कि कोई भी चालक है, और उस चालक प्लेट के विभव वी को तो कम करेंगे, विभव वी को कम करके धारिता को बढ़ाने की जो प्रक्रिया है, उसी प्रक्रिया को हम बोलते हैं संधारित्र का सिद्धांत बोलते हैं, ठीक है। अब विभव को कम कैसे करेंगे, ये आपको पता होना चाहिए, देखिए कैसे, सुनिए भाई, देखिए ये चालक प्लेट ए है, ये मैंने पहले भी बता दिया था, उसमें धारिता को प्रभावित करने वाले कारकों में मैंने बता दिया था, किसी चालक के समीप अन्य अनावेशी चालक की उपस्थिति का जो प्रभाव था उसमें बताया था मैंने, अब दोबारा सुन लीजिए। इसमें देखिए चालक ए है, इसके बाहरी पृष्ठ पर प्लस क्यू आवेश फैला हुआ देखिएगा, कंटिन्यू देखिएगा, ये प्लस आवेश है, और चालक प्लेट बी है, तो ब्लेड चालक प्लेट बी की आंतरिक पृष्ठ पर क्या गया, माइनस आवेश, किसके द्वारा, विद्युत प्रेरण के द्वारा, माइनस विपरीत प्रकृति का आवेश फैल जाता है, तो ये माइनस आवेश फैल गया। याद रखिएगा चालक प्लेट ए पर जितना आवेश होगा उतना ही आवेश प्लेट बी पर होगा, मतलब जितना आवेश, मतलब आवेश मतलब जितना धनावेश प्लेट ए पर होगा उतना ही ऋणावेश प्लेट बी पर होगा, तो ये हो गया। अब ये माइनस आवेश, तो मतलब प्रेरण के द्वारा इसकी बाहरी पृष्ठ पर क्या आ जाएगा, प्लस आवेश आ जाएगा, देखिए बाहरी पृष्ठ पर क्या गया, प्लस आवेश आ गया, आ गए ना। अब ये जो प्लस आवेश क्या करता है, ये तो प्लस आवेश क्या करता है, चालक प्लेट ए के विभव को बढ़ाता है, प्लस का मतलब क्या होता है, इंक्रीज करना, चालक के विभव को बढ़ाता है, और ये जो माइनस आवेश है ये चालक प्लेट ए के विभव को क्या करता है, कम करता है। लेकिन जो प्लस आवेश है वो क्या है, ये इस प्लेट ए के प्लस आवेश से बहुत दूर है, दूर है ना भाई, देखिए प्लेट ए के जो आवेश है ना इससे क्या है, दूर है, लेकिन माइनस आवेश क्या है, प्लेट ए के प्लस आवेश से एक बिल्कुल पास में है। तो ये माइनस आवेश है, ये नेगेटिव आवेश है, ये प्लेट ए के विभव को क्या करेगा, प्रभावित करेगा, यानी कम करेगा। तो प्रभावित करने का मतलब कम करेगा, ये माइनस आवेश क्या करेगा, इस चालक प्लेट ए के विभव को कम करेगा, और जैसे विभव कम होगा तो धारिता बढ़ जाएगी। तो ये होता है संधारित्र का सिद्धांत, देखिए। और फिर आगे की बात करें तो ये प्लस पहले क्या कर रहा था, कुछ तो विभव तो बढ़ा रहा था भाई, कुछ तो बढ़ा रहा था, लेकिन अगर हम क्या कर दें, इस ये जो भारी पृष्ठ बी का जो भारी पृष्ठ को भूसंपर्कित कर दें, तो अब बढ़ाने वाला तो कोई रहा ही नहीं ना, अब तो घटाने वाला ही रहा है, घटाने वाला फैक्टर ही रहा है, माइनस आवेश
मतलब घटाने वाला फैक्टर नहीं, माइनस आवेश ही रहा है। और ये माइनस आवेश क्या करता है, क्या कर रहा है, परिणामी रूप से चालक प्लेट ए के विभव को कम कर देता है, ठीक है ना। आवेश मतलब ये माइनस आवेश कम ही कर रहा है भाई, माइनस आवेश ही कम कर रहा है चालक प्लेट ए के विभव को, ठीक है ना। क्योंकि प्लस वाला तो ग्राउंडेड कर दिया मैंने, अब प्लस वाला तो बढ़ा रहा था पहले, तो थोड़ा बहुत तो बढ़ा रहा था, मतलब बढ़ाने की कोशिश कर रहा था, मतलब थोड़ा बहुत तो बढ़ा रहा था, लेकिन अब क्या हो गया, प्लस ग्राउंडेड हो गया, प्लस वाला सिरा तो अब ये ग्राउंडेड हो गया, तो यहाँ बी पर तो कोई प्लस आवेश है नहीं, कुछ कोई आवेश है नहीं, तो बढ़ाने वाला विभव, विभव को बढ़ाने वाला कोई आवेश यहाँ है नहीं, तो घटाने वाला ही आवेश बचा है माइनस, जो कि माइनस आवेश, माइनस माइनस क्यों आवेश है, और ये माइनस क्यों आवेश क्या करता है, चालक प्लेट ए के विभव को क्या करता है, इफेक्टिवली प्रभावित करता है, मतलब इफेक्टिवली क्या करता है, इसको कम करता है। तो कहने का मतलब चालक प्लेट ए का यानी पूरे संधारित्र का क्या होता है, क्या होता है, परिणामी रूप से विभव कम होता है और चालक की धारिता क्या होती है, बढ़ जाती है। तो ये बातें लिखिए, किसी चालक प्लेट को, चालक प्लेट के विभव को कम करके धारिता को बढ़ाने की प्रक्रिया को संधारित्र का सिद्धांत कहते हैं। और चालक प्लेट ए का विभव, आगे देखिएगा, चालक प्लेट ए का विभव कम हो जाता है जिससे उसे पहले के विभव पर लाने के लिए अधिक आवेश दिया जाता है, उसको अधिक आवेश देंगे, फलस्वरूप चालक की धारिता बढ़ जाएगी, ठीक है ना। तो इस प्रकार से ये हमारा टॉपिक था, ठीक है भाई, ये बहुत ही अच्छा और कंसेप्चुअल टॉपिक था, तो इसलिए आपको इसको अंडरस्टैंडिंग के द्वारा समझना, मतलब अंडरस्टैंडिंग होगी तो बहुत अच्छा समझ में आएगा, ठीक है ना भाई, तो ये जरूर ध्यान रखिएगा। तो ठीक है, तो ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया, थैंक यू।